जय माँ काली दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा अद्भुत वशीकरण का उपाय जिससे पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। जी हाँ, एक ऐसा उपाय जिसे आप अपने घर में कर सकती हैं। अगर कोई पत्नी ऐसी है जो अपने पति के साथ बहुत झगड़ा करती है, बहुत लड़ाई होती है, आपस में हमेशा कलेश होता रहता है, घर में झगड़े होते रहते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर कोई पत्नी है जिनके पति उनकी बात नहीं सुनते और हमेशा उन दोनों के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, छोटी सी बात बड़ी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए क्योंकि ये तुरंत ही आपके रिश्ते को मजबूत करने में आपकी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुड़हल का फूल जिसे हम हिबिस्कस भी कहते हैं, इस फूल की आपको जरूरत है, तो आप वो दो फूल ले आइए और उसके बाद आप इसे घर पर ही कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको या तो बुधवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन करना होगा क्योंकि ये दिन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इन दिनों में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो तुरंत आपका जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और एक कागज ले लीजिए जिस पर आपको लाल पेन की सहायता से ये लिखना होगा। आपको लिखना होगा, अगर आप पत्नी हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं और, हिंदी में लिख लीजिए या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपको लिखना है मैं और मेरे पति बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। इस तरह से आप लिख लीजिए या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मी एंड माई हस्बैंड लव ईच अदर। इस तरह से आपको लिखना होगा। मैं आपको हिंदी में लिखकर अभी बता रही हूँ, आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको बहुत ही आसान उपाय है, इसमें आपको कोई भी मंत्र कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जब आप इस कागज पर ये लिख चुके होंगे तो उसके ऊपर आपको ये ग्लास रख देना है, शीशे का ग्लास ले लीजिएगा और उसको आप इस तरह से उसके ऊपर रख दीजिए। और दिन के समय आपको ये करना है, सुबह सुबह आप इसे कर सकती हैं, जैसे ही सूरज उगता है उस समय आप इस उपाय को कर सकती हैं, जिस समय आपको कोई ना देख रहा हो, आपको अकेले में ये उपाय करना है। और ये जो दो फूल हमने लिए थे वो फूल आपको इस पानी में इस तरह से डाल देने हैं। एक काम जरूर कीजिएगा कि फूल को इस पानी में डालने से पहले आपको इस फूल को धो लेना है और धोने के बाद आपको इसमें डालना है। इस तरह से डालिएगा कि ये फूल इस पानी के अंदर अच्छे से डूब जाए और उसके बाद आप इसे इसमें ऐसे ही छोड़ दीजिए शाम तक के लिए। शाम को जब सूर्य जब डूब रहा होता है, यानी कि जब सनसेट हो रहा होता है, उस टाइम पर आपको ये फूल इसमें से निकाल लेने हैं और इसमें आप और पानी डालकर उस व्यक्ति को पिला दीजिए जिस व्यक्ति को आपको अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता मजबूत हो जाए। यानी कि अगर पत्नी इस उपाय को कर रही हैं तो वो अपने पति को ये पानी पिला सकती हैं, और अगर पति हैं जो अपनी पत्नी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपनी पत्नी को ये पानी पिला दीजिए। जी हाँ, माँ का नाम लेकर आपको ये, कोई भी देवी माँ जिनको आप मानते हो उनका नाम लेकर आपको ये पानी पिला देना है। और मन ही मन जो कागज पर आपने लिखा था उस वाक्य को दोहराते हुए आपको ये पानी उनको पिला देना है। दोस्तों ये आप बहुत ही छोटा सा एक उपाय मैंने आपको बताया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ये आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वो ये कि अगर आप लोगों की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, तो आप एक बात याद रखें कि जब आपके पति आपको गुस्सा कर रहे हो या किसी बात पे झगड़ा कर रहे हो तो आप शांत हो जाएं, और जब आपकी पत्नी आपसे बहस कर रही हो तो पति उस समय शांत हो जाएं। क्योंकि ये होता है कि जब दोनों लोग बहस करते हैं तो लड़ाई खत्म नहीं होती है और लड़ाई बढ़ती चली जाती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये उपाय आपकी मदद करेगा शांत रहने में और आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में, क्योंकि एक बार जब आपके पति का गुस्सा शांत होगा या आपकी पत्नी का गुस्सा जब शांत होगा तो उसके बाद उन्हें खुद ही महसूस होगा कि उन्होंने गलत किया गुस्सा करके, या फिर शायद हो सकता है कि वो आगे से गुस्सा ना करें। तो इस तरह से आप इस उपाय को कीजिए और आपका रिश्ता जरूर मजबूत होगा। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है,
कुछ और अगर आप हमसे जानना चाहते हैं, कोई और बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।